कृष्णा, तो आज अभी है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ठीक है। भाई हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ये है टैरो, ये है लव मैसेजेस। चुनेंगे वन बाय वन, पहले शुरुआत करते हैं बिकॉज हमने लिया है ये, तो देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या जर्नी अभी समझने को मिलती है। जनरल रीडिंग है तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। पहला ही कार्ड मिला है इवन एडम, एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। अगर हम बात करते हैं इवन एडम की, तो यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी नर्वसनेस की, थोड़ी सी रोमांटिक्स की, थोड़ी सी फैंटेसी की, थोड़ी सी सेक्सुअलिटी की, ठीक है। सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि आप इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पर्सनली चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। इवन एडम में एक्चुअली क्या है कि ये जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है वो आपने कैसे मेंटेन किया है, मतलब कि आप अभी इनसे जो कनेक्शन मेंटेन करते हो वो बस बातों से मेंटेन करते हो, या फिर थोड़ा सा रोमांटिसिज्म है यहाँ पे, थोड़ी सी फैंटेसी है, या फिर सेक्सुअलिटी भी इन्वॉल्व है, वो डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप इस रीडिंग को ले सकते हो कि अभी इस वक्त ये पर्सन, बिकॉज आपके पर्सनल अनुभव के ऊपर ये कार्ड आपसे कनेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि मान लो दो लोग अभी एक दूसरे को मिले नहीं है, तो मन में फैंटेसीज चल रही है, लेकिन दो लोग जो मिल चुके हैं उसके बाद फिर चीजें किस तरह से हो जाती है ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला कार्ड मिला है इवन एडम, तो ये कहीं ना कहीं सोच उनकी चल रही है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कार्ड भी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी उनकी फैंटेसी है या फिर जो भी उनकी सोच है, जो भी उनके ख्याल है, वो इनको रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं है। एंड उसके पीछे का एक मेन मकसद या रीज़न ये है कि आप उनकी वजह समझते हैं, चाहे फिर ये आपको जो भी बातें बोलते हैं या फिर आपसे मिलने को बेकरार है, आपसे मिल रहे हैं, वीडियो कॉल हो रहे हैं, फ़ोन कॉल हो रहे हैं, या फिर इनका कोई मैसेज आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे प्राप्त कर रहे हो। रिलैक्सेशन यहाँ पे इसलिए आता है कि आप इनको समझते हो कि भाई ये पर्सन चाहे मुझे रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है। एंड जब मौका मिलता है तब हम मिलते ही हैं, बात होती हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यही सोच है तो चीज़ें काफ़ी हद तक हम मेरे हिसाब से सही चल रही है। थर्ड कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है बिटर एंगर। बिटर एंगर क्यों आया है यहाँ पे, ये इसलिए आता है कि मान लो कि जो काफ़ी सारे प्लान्स हैं वो इतने जल्दी क्यों नहीं हो पाते, ठीक है। मतलब सैटरडे संडे जल्दी क्यों नहीं आ जाता, या फिर मुझे बहुत जल्दी है फिर भी समय क्यों लग रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हियर शी गोज, ओके। सो आई थिंक आप इनके ख्यालात में हो एंड पल पल आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सेक्सुअलिटी डेफिनेटली दिखती है यहाँ पे, ठीक है। मे बी यू आर वियरिंग जो भी ड्रेस आप इमेजिन कर सकते हो कि इनको पसंद है आपको उस ड्रेस में देखना, ओके okay, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। फिफ्थ एक कार्ड देखते हैं जो कि है अ लव लेटर। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हद तक ये सोचता है कि आपको कुछ ऐसा लिखे जिससे कि आप उनको समझे। अ लव लेटर मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी जो दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंचे, ठीक है। वो कोशिशें यहाँ पे दिख रही है। अब डायरेक्टली मूव ऑन होते हैं टैरो की तरफ, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। हियर वी गो, चलो कुछ कार्ड्स लेते हैं। पहला ही कार्ड है द डेविल, तो यहाँ पे डार्केस्ट ऑफ डिजायर्स हम देख सकते हैं, ठीक है। अब डार्केस्ट ऑफ डिजायर्स क्या होता है कि कई दफ़ा लोगों को लगता है कि भाई डेविल मतलब बुरी शक्ति या बुरा, ऐसा नहीं होता। कार्ड की जो मीनिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। डेविल का मतलब है यहाँ पे हमें चीज़ें, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हमें दिख रहा है, ठीक है, एक हाथ में प्याला है एंड सोच चल रही है, बट यहाँ पे द फायर इज बर्निंग एंड यहाँ पे एक शैडो है। शैडो को हम ले सकते हैं कि इनका डीपेस्ट ऑफ डिजायर्स, ठीक है, इनकी सोच, गहरी सोच, नॉटी थॉट्स, ठीक है, किंग की थॉट्स हम ले सकते हैं। ये जो फायर है ये उनके सब्जेक्ट से या फिर ये उनकी सोच है, ये उनकी पहलू है कि उनका कौन सा पहलू आपके सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं सोच यही चल रही है कि जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करें। एंड यस, यहाँ पे सेक्सुअलिटी है, यहाँ पे
फैंटेसी भी है, रोमांस तो मैं यहाँ पे काफी हद तक कम कहूंगा, रोमांस तो बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे उनकी सब्जेक्टिविटी आती है कि पर्सनली वो क्या चाहते हैं। देखो हम सभी क्या चाहते हैं और एग्जैक्टली बिहेव कैसे करते हैं, इसमें डेफिनेटली फर्क होता है। जैसे कि मान लो आपने कल्पना की कि आपने गाड़ी ली और 100 के स्पीड से आप आगे बढ़े, ये कल्पना है, रियलिटी में ट्रैफिक जाम होता है, 20 से ही गाड़ी चलती है, तो ये फर्क आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो काफ़ी सही शुरुआत मेरे हिसाब से। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि चीज़ें जो है यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से उसके काबू में, कंट्रोल में हो रही है। और किसी किसी पर्सन के लिए मान लो अगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, बातें हो रही है, वीडियो कॉल हो रहे हैं, बट मिल नहीं पा रहे हो, तो किसी हद तक कन्फ्रंटेशन है, मतलब कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको मिलने नहीं दे रही हैं। फिर चाहे आप इसे किस्मत कहे, चाहे आप इसे कुछ लोगों को कहे कि भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा आप मिले, या फिर आप उसे कुछ एनर्जीज कहे कि फिलहाल मैच नहीं हो रही है, कोई एस्ट्रो भी कह सकता है, बट इन जनरल अगर हम कहें तो यहाँ पे इनके डीपेस्ट ऑफ डिज़ायर्स हैं जो उनके हिसाब से पूरे हो रहे हैं। तो अगर आप की कोई कल्पना है सैटरडे संडे को हम मिलेंगे वगैरह, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप ले सकते हो। थर्ड कार्ड है एस ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज। देखो भाई वांड्स की अगर हम बात करते हैं तो बात आती है यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके प्यार की शरारतों की। आई थिंक ये पर्सन मन में डीपेस्ट ऑफ डिज़ायर्स रखे हुए तो हैं, बट क्योंकि एस ऑफ वांड्स यहाँ पे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से या तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए धीमी धीमी शुरुआत है, या फिर अब तक आपने इनका ये सेक्शन देखा ही नहीं है। मे बी छोटे मोटे हक्स इनके से हुए रहेंगे, बट बातें आगे नहीं बढ़ी है, तो जो भी इनके डीपेस्ट ऑफ डिज़ायर्स अब उनके पास ही है। शायद आपको बता दिया होगा, बट मोस्टली नहीं हुआ होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। हालांकि उनके हिसाब से अब समय आ चुका है जहाँ पे आप दोनों जो हैं वो इस चीज़ का मंजर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है जो यहाँ पे वो है डेथ। मतलब सिंपल सी बात है भाई, इनके हिसाब से अब काफ़ी सारे चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में होने जा रहे हैं। अब ये कौन से चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस की मतलब है कि भाई पहले शायद आप रेडी नहीं थे, या फिर पहले आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी क्रिस्प नहीं थी, अब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम रेडी फॉर समथिंग, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखो ये सोच चल रही है यहाँ पे, एग्जैक्टली आपकी क्या सोच हो सकती है, ये एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपके सामने परिस्थिति क्या आती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको जिससे आपको झट से पता लगेगा। यहाँ पे कार्ड आ गया द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मान लो आप किसी को मिलने के लिए चल पड़े हो, ठीक है, सुनसान रास्ता है, गाड़ी तेज भाग रही है, अचानक से आपको लगता है कि कोई जानवर सामने आ रहा है, या फिर आप जोर से ब्रेक लगाते हो और कुछ हो जाता है, आपका प्लान बदलता है। अब जो ये डिज़ायर्स है क्या वो रहेंगे? डेफिनेटली आपकी सोच बदल जाएगी, आपका टेंशन होगा, आप कुछ और चीज़ों में उलझेंगे। तो वही बात यहाँ पे आती है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड आता है वो काफ़ी हद तक चीज़ें अचानक से बदल सकता है। किसी के लिए चीज़ें ऐसी हैं, किसी के लिए ऐसी हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो आप उसे समझ लीजिए। एंड दूसरा कहने का बात ये था कि भाई जो आपके ख्यालात हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप गाड़ी से चले हैं, अचानक से कुछ हो गया, तो जो सोच है अचानक से बदल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें जो लव मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, हालांकि चार आ गए तो इनको लेते हैं। देखो पहला कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज। मतलब कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप इनको बोर नहीं करते, आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप इनकी हर इच्छा पूरी करते हो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी ट्रू सेल्फ अराउंड मी। आप एक्चुअली में अपने रियल अदाकारी में होते हो कि आप कौन हो, आप उनको झूठा दिलासा नहीं देते कि मैं ऐसी हूँ या फिर मैं ऐसा हूँ, आप जैसे हो वही उनके सामने पेश आते हो, जो कि उनको अच्छा लगता है। थर्ड जो कार्ड है वह आई होप सॉरी आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आप इनको कम नहीं आंकते कि भाई आप में ये कमी है या फिर आपकी सैलरी इतनी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन जैसा है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो, जो उनके हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है। एंड फिनाले कार्ड है लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। जो भी आप जोक्स फॉर्म करते हो या फिर यहाँ पे आप बात कर सकते हो आपकी अडल्ट टाइप के जोक्स की, या फिर जो आपकी सीक्रेट लैंग्वेजेस है, मतलब मान लो अगर आप किसी
पब्लिक प्लेस में खड़े और आपको कहना है कि आई वॉन्ट टू किस यू, तो जो आप साइन करते हो या फिर जो आप लैंग्वेज बोलते हो जो किसी को समझ में नहीं आती है बट आप दोनों समझते हो, वो बात यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सो फिलहाल ये मेरे हिसाब से चल रहा है उनके मन में, डिपेंड करता है चीज़ें कितनी ज़्यादा रेजोनेट होती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।